गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, दिस इज यशी राजपूत व्लॉग्स। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। सो गाइज मेरी और मेरी फैमिली की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है रक्षाबंधन, सुबह से हम इतने बिजी थे, हमारे घर में जैसे कि काम चल रहा है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो फिर अभी मैं थोड़ी रेडी हुई हूँ, इतनी अच्छी तो नहीं लग रही हूँ बट फिर भी ठीक है, चलो जैसे भी है। तो अभी हम राखी बांधेंगे, 2 बजे का ही मुहूर्त था और आज हमारा ऑफिस भी था तो फिर क्या ही कर सकते हैं, छुट्टी भी नहीं थी। सो गाइस अभी मैं राखी बांधूंगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था, तो मैंने ज़्यादा शूट किया ही नहीं, तो अभी घर आई हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग कंप्लीट कर दूँ अपना, क्या कर सकती हूँ। आप लोग भी कहेंगे ये क्या दिखा दी जाती है, शूट ही नहीं करती अच्छे से। तो मैं गाइस मैं क्या करूँ, इतना काम भी है और देखो मेरी चोट भी लग गया हाथ में, ये देखो पूरा हाथ कट हो गया मेरा। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, मेरी किस्मत ऐसे है। तो गाइस और क्या बोलूँ मैं, इतनी गर्मियाँ गाइस। और ना एक और बात, घर में ना पूरे घर पेंट हुआ है ना, तो ना गर्मी ज़्यादा ही है और इसकी स्मेल मुझे इतनी गंदी लगती है ना पेंट की, बहुत इरिटेटिंग करती है, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। और गाइस बाकी आप व्लॉग को फुल देख लिया करो गाइस, ऐसे मत किया करो कि फुल नहीं देखते हो, आप देख लिया करो यार, क्या हो जाएगा अगर आप मेरी वीडियोज़ देख लेंगे, थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे। वैसे भी यार मैं देख रही थी मेरे पुराने व्लॉग पर व्यूज़ ही नहीं आए, मुझे लगता है मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाली तो मेरे व्लॉग मतलब कि मेरी वीडियोज़ की रीच कम हो गया। तो गाइज प्लीज फुल वॉच करो। सो गाइज ये है वो लड़का जिसकी शादी होने वाली है, शक्ल देखो इसकी, अभी देख लो गाइज, घर में काम चला हुआ है इसलिए शक्ल ऐसी है, हमने दूल्हे राजा को काम पे लगाया हुआ है, पूरे पोचे झाड़ू हम इसी से बनवा रहे हैं कि भाई शादी बाद में पहले काम करो, सब कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, काम जरूरी है गाइज, क्योंकि हम फर्क नहीं करते लड़का और लड़की में, है ना, हमारे घर का रूल है कि हम लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करते। सो गाइस हम घर का काम इनसे भी करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं करवाते हैं, हम सारा काम करवाते हैं और ये करते भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, झाड़ू पोछा सब काम सिखाया हमने अपने लड़के को, अब शादी के बाद इसको काम आने वाला है, उसके बाद फिर मैं करूँगा। हाँ झाड़ू पोछा बर्तन सब काम, बहू का कोई बोल सकता है क्या फिर मजा ही। सो गाइस थोड़ा अभी अच्छे से हुआ नहीं, अभी नहीं मैं दिखाऊंगी आपको, जब पूरा घर रेडी हो जाएगा क्योंकि इधर सामान फेंका हुआ, थोड़ी सी मैं आपको प्लांट्स दिखा देती हूँ अपने घर के। ओके गाइस पेंट ने इनकी हालत कैसी कर दी है, मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स की, कितने इसे पूरा पूरा पेंट पेंट में ब्रश लगा के धोना पड़ेगा, कितने गंदे लग रहे हैं, कोई बात नहीं ये हो जाएंगे बाद में वैसे। सो गाइस बड़ी मुश्किल से आई हूँ एलईडी बंद करके, अब वो मुझे गालियाँ देने वाले हैं क्योंकि वो आपस में बातें कर रही है और एलईडी चलाई हुई है, अगर आप देखनी नहीं है तो कम से कम बंद कर दो, मैं भाग के आ गई बंद करके। बाकी गाइस मतलब कि ना यहाँ कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ फिर से अगर चैनल चला गया तो, इतनी मेहनत के बाद मुझे 1 साल बाद मिला है और इंतज़ार नहीं कर सकती अब मैं गाइस, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ अब मैं कि कोई भी वीडियो के कारण मुझे रिव्यूज कंटेंट आ जाए, तो करने क्यों है ऐसे काम। बाकी गाइज क्या बताऊँ, आज रक्षाबंधन है, मैंने थोड़ी सी भी मिठाई नहीं खाई,
एक तो मेरा फास्ट था, अच्छा हुआ कि मेरा फास्ट था, क्योंकि फिर जब राखी बांधते हैं तो फिर वो भी कहते हैं खाओ खाओ खाओ, तो ऐसे फिर मिठाइयाँ खाते रहते हैं। इतनी मुश्किल से मैंने थोड़ा वेट लूज किया है, और मैंने पढ़ा था कहीं कि हमें शुगर नहीं लेनी चाहिए, मिठाइयों से हमारा वेट बहुत जल्दी गेन होता है, तो मैं नहीं खानी चाहिए। बाकी गाइज आप लोग मेरा व्लॉग फुल देख लिया करो, आई नो आप बोलोगे अब कि हाँ देख तो रहे, और कितना देखे आई नो, आप मुझे बताए आप लोग सब बहुत अच्छे हो, आप मेरी वीडियो देखते हो, जैसे भी बनाती हूँ, आई नो इतने अच्छे मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है गाइज, इतना काम है ना, सच बताओ इतना काम, मैंने इतना एक साथ काम नहीं किया था, अब पता चला है कि क्यों बोलते हैं लोग कि शादी करना बहुत ईजी नहीं है, अब पता चल रहा है, क्योंकि इतना काम होता है ना गाइज, कोई आ रहा है जा रहा है, ये वो काम रह गया, ये काम, इतने काम होते हैं ना शादी के हद से ज़्यादा, भाई मुश्किल है भाई, पता नहीं लोग कैसे करते हैं। चलो जिनकी जॉइंट फैमिली है उनके तो मज़े हैं, हमारी तो स्मॉल सी छोटी सी फैमिली है, तो हमें ही करना पड़ेगा सारा काम, हम सब खुद ही कर रहे हैं। बाकी गाइज और क्या बोलने वाली थी मैं भूल जाती हूँ गाइज, मैं बोलना बहुत कुछ चाहती होती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ। आजकल गाइज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा आता है ना हर छोटी बात पे, मेरी मुझे सब ऐसे बोलना कि तू बहुत चेंज हो गया, और मतलब कि अब थोड़ा साथ में रहती हूँ मैं घर वालों के, ऐसे रोज चल जाती थी तो अब थोड़ा मैं साथ में, तो यही बोलते हैं कि अब तो तू बहुत बोलने लगी हूँ, एक और एक मतलब कि गुस्सा करती है बहुत, तू ऐसे बोलते हैं मेरे सारे, पता नहीं गाइज मेरा ऐसा नेचर नहीं था, अब मुझे हर छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा, मतलब कि ऐसा मेरा बिल्कुल नेचर नहीं था, मैं दूसरों को बोलती थी कि कितने गुस्से वाले हैं ये, कितने गुस्से वाले, खड़ूस है ये वो, और मुझे लगता है मैं ही खड़ूस बन गई हूँ, इतना गुस्सा आता है ना मुझे हर छोटी बात पर, पता नहीं क्यों आता है, ऐसे मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं था, मेरा नेचर था हंसो दूसरों को भी हंसाओ, क्यों किसी को वो करना हर्ट करना, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समझता ही नहीं है यार कोई भी, कुछ भी बोलो, मतलब कि मैं बोलती कुछ हो समझते कुछ हो, मतलब फिर मैं चुप ही रहती हूँ कि क्यों ही बोलना है किसी को भी, तो इसलिए ऐसे ही ठीक है। गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आता है, पता नहीं क्यों, अब ज्यादा आता है, अगर मेरी अकॉर्डिंग कोई चीज ना हो ना मुझे इतना गुस्सा आता है। बाकी आप लोग भी क्या बोलेंगे कि क्या बोलती रहती है ये, चुप ही नहीं होती, चुप ही नहीं होती, तो गाइज और क्या बोलूँ, अब बैठे बैठे मैं कोई देखा आपने कोई शूट ही नहीं करता, इतनी मुश्किल से मैं शूट करवाती हूँ, उनको लेती हूँ ब्लॉग में, भाग जाते हैं सब की नहीं 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 हम अच्छे नहीं आ रहे, अब तो मैं ले लेती हूँ, ये सबको पता है, आप लोगों को पता है शादी वाले घर तो कौन ही रेडी होके बैठे रहेगा सब, अब मैं भी मतलब कि अभी आई हूँ तब थोड़ी सी रेडी होके बैठी हूँ, वरना अब मेरी शक्ल भी देखोगे ना आप तो मुझे पहचानोगे भी नहीं, क्योंकि काम कर रहे होते हैं भाई बार बार कपड़े, कौन अपने सब गंदे मंदे कपड़े डाल के काम करेंगे, क्योंकि फिर से गंदे जाएंगे, फिर चेंज करो, फिर से इससे अच्छा है कि चलो एक बार में काम करते 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 रहो। बाकी गाइज ये ब्लॉग ठीक है, इतना ही छोटा सा ही, बाकी अगर मेरा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।